देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली 5 साल की सरकार बीजेपी की सरकार रही है, और बीजेपी सरकार ने किसी भी वायदे को नहीं पूरा किया जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। उन घोषणा पत्रों को, जो भी वादे किए थे, उन वादों को किसी में नहीं पूरा किया। और रही बात बेरोजगारी की, चाहे आप महिला उत्पीड़न की समस्या देख लीजिए, महिलाओं के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, और महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों की क्या हालत हो रही है आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। पूरे 5 साल सरकार चलाने के बाद बेरोजगारी और महंगाई, कानून व्यवस्था में बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सारे लोग। आप देख रहे हैं सरकार हर मुद्दे पर फेल हो रही है पूरे 5 साल। और आगे ये जो बजट आया है ये केवल दिखावटी बजट है, इसमें कहीं किसी को लाभ होने वाला नहीं है, हर वर्ग को इससे नुकसान होगा, कहीं किसी को फायदा होने वाला नहीं है। और सरकार केवल अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रही है और उस पर अपनी वाहवाही लूट रही है, जबकि पूरे 5 साल ही दिखा रहा है कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। आगे भी 5 साल में इनसे किसी भी मुद्दे पर कोई काम करने की उम्मीद नहीं है, ना प्रदेश का विकास होने वाला है और ना ही किसी प्रकार का किसी का हित होने वाला है।